बेंगलुरु एएफसी के लिए ये खुशी का क्षण रहा जब उसने अबहानी ढाका पर 4-0 की जीत और एजल एएफसी की मिली मदद से एएफसी कप के अंतर क्षेत्रीय सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन स्थान सुनिश्चित कर लिया। अपनी टीम के लिए डेनियल सेगोविया ने 13वें मिनट, निशु कुमार ने 16वें और 58वें मिनट में और सुनील छेत्री ने 60वें मिनट में बेंगलुरु के लिए गोल दागे, जिससे टीम ने शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। इस मैच के साथ बेंगलुरु को अंकों की गणित के लिए भी खेलना पड़ा था। दरअसल बेंगलुरु को क्वालिफाई करने के लिए जीत के साथ ही दरकार थी कि एजल एफसी मालदीव न्यू रेडिएंट क्लब को मात दे दे। ठीक वैसा ही हुआ। बेंगलुरु की जीत के कुछ क्षण बाद ही एजल ने न्यू रेडिएंट को 2-1 से शिकस्त दे दी और इसी के साथ बेंगलुरु एएफसी का रास्ता साफ हो गया। वहीं अंकों की बात करें तो बेंगलुरु एएफसी के ग्रुप ई में 15 अंक जबकि न्यू रेडिएंट के 12 अंक हैं और साथ ही आवाहानी और एजल के 4-4 अंक हैं। छेत्री की अगुवाई में ब्लूज की टीम ने मैच पर दबदबा बनाए रखा हुआ था। उसने सेगोविया और नीसु के गोल से हाफ टाइम तक 2-0 से बढ़त बना ली थी। क्वालिफिकेशन स्थान दाव पर लगा था जिससे बेंगलुरु का दबाव बना हुआ था, लेकिन छेत्री की मदद से टीम ने अपने अभियान में सफलता हासिल की जिन्होंने 3 गोल करने में टीम की मदद की। ढाका के पिछले दौर पर बीएफसी को पिछले साल एएफसी कप अभियान के ग्रुप चरण में बांग्लादेशी टीम ने 0-2 से हार का सामना कराया था। क्षेत्रीय सेमीफाइनल 21 अगस्त से शुरू होंगे। वहीं अगर एक टीम मैदान पर अच्छा खेल दिखाती है तो उसका सीधा श्रेय कप्तान और साथी खिलाड़ियों की मैदान पर चुनी गई रणनीति पर निर्भर करता है। ऐसा करने में सुनील छेत्री और उनकी टीम के साथी खिलाड़ी सफल रहे तभी जीत संभव हो सकी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।